हेलो दोस्तों, जितेंद्र स्टैंड एम्पलीफायर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। कैसे हो दोस्तों? आज फिर मैं आप लोगों के लिए एक वीडियो लेके आया हूँ दोस्तों। और ये वीडियो दोस्तों बेस ट्रेवल के ऊपर है। 3 बैंड का मैंने बेस ट्रेवल ऑर्डर किया था और आज मेरे को डिलीवर हो गया फ्लिपकार्ट से, और इसकी मैं अनबॉक्सिंग आप लोगों के साथ में शेयर कर रहा हूँ। और दोस्तों मेरे चैनल को भी आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कर दीजिए दोस्तों। दोस्तों बड़े बड़े चैनल को सभी सब्सक्राइब करते हैं, छोटे चैनल को कोई नहीं करता। तो आपसे निवेदन है कि मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। और दोस्तों ये मेरा चैनल नहीं है, आप लोगों का ही चैनल है, तो कृपया सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों, ताकि आप लोगों के लिए मैं और अच्छी अच्छी वीडियो लेके आ सकूँ। तो दोस्तों चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। और ये देखिए दोस्तों, ये अपना मैं इसको अनबॉक्सिंग करके आपको दिखाता हूँ। वैसे दोस्तों मैंने इसको पहले से अनबॉक्स कर लिया था चेक करने के लिए, तो मेरा पार्सल बिल्कुल ठीक आया दोस्तों। और मैं आपको अभी दिखाता हूँ इसको ओपन करके। ये देखिए दोस्तों, ये कितना बेहतरीन क्वालिटी का बास ट्रेवल, कितना अच्छा क्वालिटी का, ये देखो 3 बैंड का बेस ट्रेवल है दोस्तों। अभी मैं इसका पन्नी आपको उतार के मैं दिखाता हूँ। और ये दोस्तों PCB एन इलेक्ट्रॉनिक कंपनी से मैंने मंगवाया था फ्लिपकार्ट से, उसका भी दोस्तों एक यूट्यूब चैनल है और काफ़ी अच्छी बास टेबल उन्होंने बनाया है। बस दोस्तों इसमें छोटी सी दिक्कत यह है कि इसमें इन्होंने कनेक्टर प्रोवाइड नहीं किया है, जबकि कनेक्टर को देना चाहिए, तो ये मुझे अच्छा नहीं लगा दोस्तों। कम से कम कनेक्टर तो उसको देना चाहिए, बंदा कैसे अपना कनेक्टर लगाएगा इसमें। अब मेरे को दोस्तों इसको सोल्डरिंग करके आगे मैं आपको इसकी वीडियो अगली वीडियो में इसका साउंड टेस्ट भी दूंगा। और अभी मैं इसका दोस्तों आपको अनबॉक्सिंग दिखा रहा हूं और कुछ इसके बारे में कुछ जानकारी मैं दे रहा हूं दोस्तों, तो मेरे वीडियो में बने रहे। सबसे पहले मैं डब्बे को साइड कर देता हूं। देखिए दोस्तों मैं भी इसका पन्नी उतारता हूं। दोस्तों मैं एक हाथ से शूट कर रहा हूं, इसलिए थोड़ा दिक्कत हो रही है। दोस्तों मेरे चैनल पर पहले भी मैंने इस वेजिटेबल के बारे में बताया था और मैं फिर ऑर्डर कर दिया। मैं सोचा चलो इसकी भी एक देख लेते हैं इसका कैसा क्वालिटी है। काफ़ी अच्छी पैकिंग करके दिया दोस्तों उन्होंने, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, पैकिंग पुकिंग में अच्छी पैकिंग है। बस छोटी सी दिक्कत यही है दोस्तों, उन्होंने कनेक्टर प्रोवाइड नहीं किया, कनेक्टर उनको देना चाहिए। लेकिन तो दोस्तों जब तक अनबॉक्सिंग हो रही है तब तक आप मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। तो दोस्तों जैसे तैसे करके मैंने तो इसका पन्नी उतार दिया है और काफ़ी हार्ड पैकिंग किया हुआ था। देखिए बास ट्रेवल इसका क्लोज लुक कितना शानदार लग रहा है दोस्तों। और इसमें दोस्तों आईसी दोस्तों लगा हुआ है 5532, आपको मैं दिखाता हूँ। देखिए दोस्तों इसमें यानी 5532 लगा हुआ है, मैं फोकस कर रहा हूँ। ये देखिए बढ़िया आईसी लगा हुआ है दोस्तों इसमें, और सारे कंपोनेंट अच्छे क्वालिटी का लगा हुआ है इसमें। और मेन फिल्टर इसमें दोस्तों लगा हुआ है 2200 UF का 25 वोल्ट में, और ये दोस्तों ये 12012 पे ऑपरेट होता है, आगे जीनर डायोड लग के वोल्टेज फिक्स हो जाता है दोस्तों, तो ये काफ़ी अच्छी बात है इसमें दोस्तों। ये देखिए ये अपना कनेक्टर है, यहाँ से आप इनपुट, यहाँ पे इनपुट देना चाहिए दोस्तों यहाँ पे। और इधर दिखाता हूँ मैं दोस्तों, और दोस्तों ये जो ये वाला पॉइंट है इस पर 12012 का ट्रांसफार्म लगेगा, आप 1 एम्पेयर से लेके 0.5 मिली एम्पेयर तक लगा सकते हो, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा।
और ये अपना दोस्तों ये आउटपुट है ये, और यहाँ पे दिखाता हूँ मैं और आपको, ये चार टोन लगा हुआ है 100 गे का, देखिए बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी है दोस्तों। मुझे लगा आप जब इसका साउंड टेस्ट करेंगे तो फिर पता चलेगा इसका क्वालिटी कैसा है, तब मैं आपको इसके बारे में और अधिक जानकारी दे पाऊँगा दोस्तों। और दोस्तों आने वाले वीडियो के लिए आप थोड़ा वेट कीजिए, मैं इसके लिए और वीडियो बनाऊँगा इसका साउंड टेस्ट का, आपको साउंड टेस्ट भी करके दिखाऊँगा। वैसे तो दोस्तों इसके काफ़ी सारी वीडियो है यूट्यूब चैनल पर पहले से दिया हुआ है, तो देखिए दोस्तों का। बाकी दोस्तों मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, और कोई अच्छे से वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेके आऊँगा आने वाले टाइम में। तो दोस्तों मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कर दीजिए दोस्तों। थैंक यू दोस्तों।